करीब एक घंटे बाद चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के साथ ये बैठक होनी है, किसानों के साथ ये बैठक होगी। बैठक में 3 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इससे पहले भी जो बातचीत हुई थी उसमें कोई रास्ता नहीं निकला था, लेकिन इस बैठक से बहुत सारी उम्मीदें केंद्र को भी है और किसान नेताओं के साथ इस मांग को लेकर जो अर्जुन मुंडा की तरफ से प्रतिक्रिया आया केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से, उन्होंने किसानों से कहा है कि हम हल की तलाश कर रहे हैं। किसानों से अब मंत्रियों की मुलाकात के बाद शायद वो सुलह का रास्ता, वो जो रास्ता जिसकी मांग किसान कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर हो सकता है कि तमाम पहलुओं पर चर्चा संभव हो और उसके बाद कोई सकारात्मक हल निकले। आज 3 केंद्रीय मंत्रियों की मुलाकात बस थोड़ी देर में होने वाली। चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल ठाकुर जुड़ रहे हैं और अपडेट उनसे। विशाल, क्या जानकारी फिलहाल? देखिए, बिल्कुल, आज शाम को तीसरे दौर की वार्ता जो है वो किसानों के बीच में और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में होगी और सकारात्मक भूमिका में किसान है। उन्होंने कल जब मीडिया से बात की थी, आज सुबह भी मीडिया से बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम ये देखना चाहते हैं कि अब केंद्र सरकार किस तरह का प्रस्ताव जो है वो किसानों के साथ रखते हैं। वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो किसान कह रहे हैं कि हम सकारात्मक भूमिका में हैं और हम चाहते हैं कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी हल हो, जो हमारी मांगे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी माना जाए। अब देखना होगा केंद्र सरकार जब किसानों के साथ जो है तीसरे दौर की वार्ता करती है, चंडीगढ़ में ये वार्ता शाम को 5 बजे शुरू होगी, तो उसमें किस तरह की जो प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार किसानों के साथ रखते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखें तो धीरे धीरे जो किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं या जो बॉर्डर्स पर बैठे हैं, अब और जथेबंदियाँ भी उनका साथ मिलना शुरू हो गया है। अगर भारतीय किसान उग्रां की बात करें, जिन्होंने आज 7 जिलों में पंजाब के रेल रोकी है, या फिर SKM की बात करें जिन्होंने आज पूरे पंजाब भर में टोल नाके जो हैं वो फ्री करवाए हैं, तो धीरे धीरे जो है अब उनको और जथेबंदियों का साथ मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज तीसरे दौर की वार्ता होने जा रही है और इसमें ये सबसे अहम है कि आखिर जो मांगे किसानों ने केंद्र सरकार के साथ रखी थी, किन उन मांगों पर कितना सहमत जो है वो केंद्र सरकार होती है। बिल्कुल, देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है विशाल कि जो मांगे हैं उस पर तुरंत एक बार में फौरी तौर पर अमल नहीं हो सकता है, और दूसरी तरफ सरकार भी ये जानती है कि अगर उन मांगों को, स्वामीनाथन कमेटी की मांग हो या MSP के दायरे में अनाजों को लाने की मांग हो या फिर दूसरी जो अन्य मांगे हैं उस पर करते हैं, तो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी यानी अतिरिक्त बोझ सरकार के ऊपर बढ़ेगा, सरकार के खजाने के ऊपर बढ़ेगा। करीब एक घंटे बाद चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के साथ ये बैठक होनी है, किसानों के साथ ये बैठक होगी। बैठक में 3 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इससे पहले भी जो बातचीत हुई थी उसमें कोई रास्ता नहीं निकला था, लेकिन इस बैठक से बहुत सारी उम्मीदें केंद्र को भी है और किसान नेताओं के साथ इस मांग को लेकर जो अर्जुन मुंडा की तरफ से प्रतिक्रिया आया केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से, उन्होंने किसानों से कहा है कि हम हल की तलाश कर रहे हैं। किसानों से अब मंत्रियों की मुलाकात के बाद शायद वो सुलह का रास्ता, वो जो रास्ता जिसकी मांग किसान कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर हो सकता है कि तमाम पहलुओं पर चर्चा संभव हो और उसके बाद कोई सकारात्मक हल निकले। आज 3 केंद्रीय मंत्रियों की मुलाकात बस थोड़ी देर में होने वाली। चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल ठाकुर।